Hello everyone, I hope you must be 11 kicking. Let's start for the next session. आज का session जो हमारा रहेगा that is based on vocabulary. मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ बच्चों कि vocabulary किसी भी language की वो ताकत होती है जिसकी मदद से आप अपनी बातों को बहुत effective तरीके से बोल पाते हैं. मेरी इस बात पे जोर दीजिएगा सर. कितनी बार मैंने ऐसा देखा है कि you know how to speak a sentence, you know the sentence formation, but आप नहीं बोल पाते हैं. रीजन उसके पीछे सबसे बड़ा कि आपको लगता है कि मेरे पास सही शब्द नहीं है. तो दो बातें अगर किसी व्यक्ति को अच्छे से आ जाए बेटा, एक तो बात को बोलने का ढंग और उस बात को बोलने के लिए कैसे शब्दों की मुझे जरूरत पड़ेगी, ये दो बातें जिस व्यक्ति को पता चल जाए. मैं ये बिलीफ के साथ, मतलब मेरे बिलीफ है ये, मैं इसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति जीवन में कभी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर ना ऐसा फील नहीं करेगा कि रियली आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग. So that won't happen at all. So what is very much important here to know, all those words which are quite effective. और वो आपको इसलिए चाहिए क्योंकि वो आपकी बातों को बहुत बारीकी से और बिल्कुल सटीक तरीके से सामने वाले तक लेके जाते हैं. आज मैं एक नए कोलोकेशन के साथ आया हूँ. कोलोकेशन का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो पेयर में आते हैं. आप इस कोलोकेशन को अगर बहुत बारीकी से सीख गए तो आपके पास आज बहुत सारी बातों को बोलने का ढंग होगा. वोकेबलरी का एक बहुत वाइड रेंज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे. इसमें वीडियोस बहुत सारी आपके पास आएंगी. ये कोर्स मैंने कहा था कि कोई एक नॉर्मल कोर्स बना के हम इसको नहीं छोड़ेंगे. ये कोर्स एक ऐसा कोर्स होगा जिसमें हमने बहुत डेप्थ दिया होगा, बहुत गहराई दी होगी, चाहे वो वर्ड्स हों या फिर ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हों, लेसन्स हों. मतलब एक कहते ना कि डीप और एक कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ बैच इट्स गोइंग टू बी फॉर यू पीपल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो आज को शुरू करते हैं आज के दिन को. सो पहला शब्द मैं आप लोगों को, अच्छा मैं वर्ड्स केवल पढ़ाऊंगा नहीं, मैं चाहूंगा कि इन वर्ड्स को आप बारीकी से अपने सेंटेंसेस में भी यूज करके मेरे साथ देखिए. सो आज के मैं पहले शब्द को चाहूंगा कि आप मेरे साथ सुनिए, दैट्स वैल्यूएबल. अगर आप और मैं वैल्यूएबल शब्द का प्रयोग करते हैं तो वैल्यूएबल का मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी जो बहुत कीमती है. मैं रिपीट करके बोलता हूँ सर, इफ समथिंग इज वैल्यूएबल मीन्स वो आपके लिए बहुत कीमती है, उसका बहुत अहम रोल है, आप उसे मिस नहीं कर सकते सर, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसका महत्व ही इतना ज़्यादा है जैसे आपका टाइम. सोचिए आपका जो टाइम है, आप इमेजिन करके देखिए वो टाइम कितनी कीमती चीज़ है. आपके पास जीवन में अगर सबसे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है तो वो आपका टाइम है. दूसरी बात पूछता हूँ, आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके आसपास के वो कीमती लोग जिनके बिना आपके जीवन में वैल्यूज तो है ही नहीं, वो ईज ऑफ लाइफ नहीं है. सोचिए एक क्रिकेट टीम, जैसे मैं कहूँ सीएसके के लिए एमएस धोनी, कितनी कीमती प्लेयर है सर एमएस धोनी, कितना, मतलब कितना मैं कहूँ कि कितने कीमती प्लेयर उनके लिए है. तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, तो आप उसे इंग्लिश में एक वर्ड से बोलिए वैल्यूएबल. इसे वैल्यूएबल कहते हैं. जैसे मैं आपके सामने एक बात बोलता हूँ कि जैसे जानकारी, अब मैं इसको कॉलोकेशन कह रहा था, मैं एक बार मैं ये बता दूँ, कॉलोकेशन का मतलब है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा पेयर में बोले जाते हैं. जैसे किसी भी चीज़ की जो जानकारी होती है ना उसको हम इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कहते हैं. अगर वो जानकारी आपको लगता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, देखो आपने आज तक एक वर्ड बोला सर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैं आप बात को बड़े ध्यान से देखना, एक वर्ड आपने खूब बोला सर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. If I ask you what is the meaning of important information, तो आप कहेंगे कि सर ऐसी information जो अति आवश्यक है. पर मैं कहता हूँ कि इसको आप एक और बोल सकते हैं ना सर valuable information. इसी word को बोलने का एक और effective तरीका आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, less common words use करते हैं पर ऐसे words use करते हैं जो एकदम से hit करते हैं सामने वाले को. हिट मतलब क्या है, उसको सोचने पे मजबूर करते हैं, यार इस बात को तो इसने बोला तो वही लहजे में पर इसने तो बहुत ज़्यादा डेप्थ से बोल दिया. सो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जानकारी बहुत अहम है, बहुत कीमती है. अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, अब वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के बाद में थोड़ा सा चलो इसको भी बताता हूँ. जैसे कोई भी चीज़ में अगर आपको सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट का मतलब सर मदद, अब कोई भी मदद आपको मिल रही है पर आपको लगता है कि मदद बहुत कीमती है, मतलब ये कीमती मदद है, कीमती मदद का मतलब क्या सर कि वो मदद आपको लगता है कि अति आवश्यक है. जैसे आपने देखा होगा कोविड के दौरान देशों ने आपस में एक दूसरे की बहुत मदद की है
उस मदद को आप और मैं ये कह सकते हैं कि वो बहुत एक कीमती मदद थी सर, बहुत कीमती का मतलब वो जरूरत की चीज़ थी सर, तो आप और मैं कह सकते हैं सर दैट्स वैल्यूएबल सपोर्ट। मान लो कोई व्यक्ति ने आपकी मदद की है, कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको सपोर्ट किया उसने, और जब उसने सपोर्ट दिया है और आपकी बात बन गई, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप उस व्यक्ति को धन्यवाद बोलें, आप उस व्यक्ति को जरूर कहें कि सर आपकी जो वैल्यूएबल सपोर्ट रही इसके लिए मैं आपको बड़ा आभारी रहूँगा। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, आज मैं सेंटेंस के साथ बुलवाऊंगा, पर आपको एक वर्ड यूज़ होना चाहिए सर, वैल्यूएबल सपोर्ट। वैल्यूएबल सपोर्ट का मतलब बहुत कीमती सपोर्ट जो आपकी मुझे मिली वो वैल्यूएबल सपोर्ट है। थोड़ा सा नीचे आइए बेटा, अगला वर्ड है टाइम। मैंने कहा आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती टाइम है सर, तो दैट्स वैल्यूएबल टाइम। सो वैल्यूएबल टाइम का मतलब वो टाइम जो आपके लिए बहुत कीमती है, मतलब जिसके बारे में आपको बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सो दैट्स वैल्यूएबल टाइम। आगे की तरफ देखिए सर, मैंने कहा ना कोई प्लेयर, कोई इंसान, जब आपको कोई भी इंसान ऐसा लगे कि यार ये इंसान तो बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है, तो आप उसमें कह सकते हैं वैल्यूएबल पर्सन। जैसे फ्रेंड्स आर ऑलवेज वैल्यूएबल, पेरेंट्स आर वैल्यूएबल, वो तो इतने कीमती लोग हैं हम सब लोगों के जीवन में, जो मतलब एक विशेष रोल रखते हैं हमारी लाइफ में, वो तो बहुत कीमती हैं। अब देखिए वाले वर्ड मैंने बोले सर, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल स्पोर्ट, वैल्यूएबल टाइम, वैल्यूएबल प्लेयर्स, वैल्यूएबल पेरेंट्स, वैल्यूएबल पीपल, वैल्यूएबल जो भी है। अब इसको इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे लेके आएंगे, अब देखो बात को बोलने का ढंग होता है सर। अब मैं चाहूँगा कि मैं आपने जो ग्रामर सेक्शन सीखा है, मैं चाहूँगा उसकी तरीके से आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, पर आज मैं कोई सेंटेंस आपको बुलवाऊँगा नहीं, आज मैं कहूँगा ये सेंटेंस मुझे बनाकर आप भेजना, इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा, ये सेंटेंस आप मुझे बनाकर भेजना, और मतलब अच्छा रहेगा, और मैं चेक करके बताऊँगा कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो कोई बुक आपने पढ़ी है, एक बुक आपने पढ़ी है, और बुक को पढ़ने के बाद उसमें बड़ी कीमती इन्फॉर्मेशन आपको मिली, किताब आपने पढ़ी और किताब से आपको बहुत बहुत कीमती जानकारी आपको मिली। अब मिलने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है गेट, तो आपको एक सेंटेंस बनाना है, मैं इसको बोल के बता रहा हूँ कि किताब पढ़ने से, इस किताब से मुझे बड़ी कीमती जानकारी मिली, ये वाला इंग्लिश बनाना है। इस किताब से मैं ध्यान रखूँगा, इस सेंटेंस का इंग्लिश, इस किताब से मुझे बहुत कीमती जानकारी मिली, इस किताब से मुझे बहुत कीमती जानकारी मिली, ये सेंटेंस आपको मुझे लिखकर इंग्लिश में भेजना है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सेंटेंस सर, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है सर, मदद होती है, अभी जैसे मैंने बोला था, तो वैल्यूएबल सपोर्ट का मतलब होता है बहुत कीमती सपोर्ट। आपको ये लिखना है कि मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आपकी इस कीमती सपोर्ट के लिए। आपको एक सेंटेंस लिखना है इंग्लिश में कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी इस कीमती सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट देखिए सर, टाइम। एक सेंटेंस आपको इंग्लिश में बनाना है जहाँ पे बर्बाद करने की इंग्लिश होती है वेस्ट। वेस्ट का मतलब बर्बाद करना। एक सेंटेंस आप ऐसा बनाएंगे जिसमें आपको लिखना है कि हमें अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक सेंटेंस आपको ये बनाना है। एक सेंटेंस आपको यहाँ पे बनाना है कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत कीमती लोग हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत कीमती लोग हैं, पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कीमती लोग हैं। एक सेंटेंस आपको बनाना है ऐसा। तो ये वैल्यूएबल के ऊपर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। आज से आप ध्यान रखना, जब भी आप बोलें तो उसको इफेक्टिव ही तरीके से बोलें। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, और वो खुद अपने आप में एक इफेक्टिव है। अभी अभी मैं बार बार इस इफेक्टिव वर्ड को बोल रहा हूँ। एक ऐसा शब्द है जिसे सब लोग बोलते हैं सर। इफेक्टिव का मतलब बताता हूँ, कोई भी चीज़ इतनी प्रभावशाली है कि जब आप उसको यूज़ करते हैं, जो भी कुछ है उसका एक गहरा प्रभाव चीज़ों पर छूटता है। क्यों ना मैं इस बात को ऐसे बोलूँ, कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनका समाधान होता है, समाधान को हम सोल्यूशन कहते हैं। कई बार सोल्यूशन इतना अच्छा होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि वो समस्या को सच में ही सॉल्व कर देता है। जैसे आपने देखा होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स समाज में समय के साथ पैदा हुई, पर आपने ये भी देखा होगा समाज में जो प्रॉब्लम्स पैदा हुई तो उनके ऊपर उनका समाधान भी लेके आए लोग, और कुछ सोल्यूशंस तो इतने अच्छे थे कि उन्होंने बहुत इफेक्टिवली चीज़ों को अच्छा कर दिया। तो आप और मैं क्या कहेंगे यार, सच में बहुत 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 अच्छा सोल्यूशन था यार, तो मतलब ये बहुत प्रभावशाली सोल्यूशन था, इसका बड़ा पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिला। जब किसी चीज़ का कोई सकारात्मक प्रभाव किसी चीज़ पर पड़ता है, कोई चीज़ बहुत सकारात्मक है, बहुत ऐसी प्रभावशाली कि जिसका पॉजिटिव इफेक्ट जा रहा है, तो ये इफेक्टिव चीज़ें होती हैं सर। जैसे मैंने बोला ना सर, इफेक्टिव सोल्यूशन।
बहुत सारे लोगों को आपने बातचीत करते हुए देखा होगा, उनके पास बातचीत करने का ढंग होता है, किसी भी काम को करने का ढंग होता है बेटा स्किल्स। स्किल्स का मतलब ढंग होता है, बातचीत करने का ढंग जो होता है उसको कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है बातचीत करने का ढंग। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास बातचीत करने का बड़ा प्रभावशाली ढंग होता है। मैंने एक वर्ड बोला बेटा प्रभावशाली। प्रभावशाली का मतलब क्या है? इफेक्टिव। प्रभावशाली का मतलब है बच्चों इफेक्टिव। तो जब वो बात करते तो इस ढंग से बात करते कि सामने वाले व्यक्ति पर उसका एक गहरी छाप छूटती है, एक मतलब इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, बड़ी इफेक्टिव है। सो हमने एक वर्ड बोला सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव सॉल्यूशंस, इलाज। इलाज को हम क्योर कहते हैं। किसी भी बीमारी का जो इलाज होता है उसको हम या तो कहेंगे क्योर या फिर बोलेंगे बेटा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब ही किसी चीज़ का इलाज होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ इलाज इतने अच्छे हैं कि आप उनको करो तो उसका हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट निकल के आता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बहुत सारे इलाज ऐसे हैं जिनको हम करते हैं तो उसका हमेशा सकारात्मक आपको प्रभावशाली एक उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप और मैं कह सकते हैं यार ये जो इलाज था वाकई में बड़ा इफेक्टिव क्योर था, इफेक्टिव ट्रीटमेंट था। इफेक्टिव क्योर, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये एक कॉम्बिनेशन और आप अपने इंग्लिश में जोड़ लीजिए। आज बहुत सारे लोग काम करते हैं सर, पर आप उनके काम करने के स्टाइल को देख के ये कह सकते हैं कि यार सच में मतलब गजब, ग्रेट, क्या तरीका यार काम करने का, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपने देखा कि जिनका वर्किंग स्किल्स आपको लगता है कि बहुत 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 अच्छा है, मतलब उनकी वर्किंग स्किल्स में आपको क्वालिटी नजर आती है, तो आप और मैं क्या कहेंगे सर, बड़ी इफेक्टिव वर्किंग स्किल्स हैं इनकी। तो इफेक्टिव वर्किंग स्किल्स का मतलब क्या है कि काम करने का ढंग बहुत 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 अच्छा है, तो इसे हम इफेक्टिव वर्किंग स्किल्स कहते हैं। ये होता है बेटा इफेक्टिव। मैं चाहूंगा कि अब एक सेंटेंस आप बोलें, जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों के पास काम करने की बड़ी इफेक्टिव स्किल्स होती है, पहला सेंटेंस, कुछ लोगों के पास। आप जरूर इसको कमेंट के अंदर डाल के मुझे बताएं, लिखकर मुझे भेजिए। कुछ लोगों के पास वर्किंग स्किल्स बड़ी इफेक्टिव होती है। दूसरा, कुछ लोगों के बातचीत करने की स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तीसरा, ये भी बनाना, कुछ लोगों के पास होती हैं। तीसरा, हमें कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशंस को ढूंढना चाहिए, हमें कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशंस को ढूंढना चाहिए। इसकी इंग्लिश, बहुत सारे क्योर्स हैं और इफेक्टिव क्योर्स हैं इस बीमारी के, तो बहुत सारे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं इस बीमारी के, बहुत सारे इफेक्टिव क्योर्स हैं। ये सेंटेंस आप मुझे इंग्लिश में लिख के दिखाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेंटेंस भी आप मुझे कमेंट के साथ बताएंगे लिख के। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी चीज़ को आप और मैं सिग्निफिकेंट कहते हैं बेटा, तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है मतलब उस पर ध्यान आपका जाना ही चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ में आपने देखा तो उछाल आया, और इतना उछाल आया कि हर किसी का उसकी तरफ ध्यान गया। जैसे आप देखोगे तो जो पेट्रोल है, डीजल है या फिर एलपीजी गैस है, इसकी जो कीमतें हैं तो उसमें एक उछाल देखने को मिला, और वो उछाल आप और मैं कह सकते हैं कि इतना है कि सबका ध्यान उसकी तरफ गया। तो आप और मैं कह सकते हैं वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। आप और मैं कह सकते हैं क्या कि वो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज का मतलब क्या है? वो एक ऐसा उछाल है जो आपको और मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा है और उस पर ध्यान जाना भी चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर सिग्निफिकेंट है तो वो इतनी ज़्यादा है कि अब उसका महत्व बन गया, वो बहुत कीमती हो गया, अब उसकी तरफ आपका फोकस्ड होना ही चाहिए। जैसे देखो, मान लो कोई भी चीज़ में चेंज है, आज आप अपने देखेंगे तो आपके देश में जो रेलवेज है या फिर आपके देश में जो सड़कें हैं या फिर आपके देश में जो पेपर वर्क है, इसमें आपको एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, है ना। जैसे आप और हम पहले गैस के लिए, अब इसमें आप सरकार से प्रेम और द्वेष की बात मत करना प्लीज़, वो मैं वहाँ पे बात जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे पहले गैस लेनी होती थी तो पहले एक दिन लाइन में लग के नंबर लगवा के लेके आओ, फिर उसके बाद वो होता था कि फिर पूछने जाओ कि भैया आप गैस आ गई क्या, और वहाँ पूछने गए तो फिर लाइन में खड़े और पता चला कि गैस तो ख़त्म हो गई, कल फिर आना, आप कुछ कर भी नहीं सकते उसका। अब ऐसा है ही नहीं, सब कुछ फ़ोन पे चलता है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको सब चीज़ें ट्रैक हो रही हैं, आप घर बैठे ही सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा बदलाव है, एक सिग्निफिकेंट चेंज है। आप सड़कों पे देखिए, रेलवे में जाइए, आपको कितना बड़ा चेंज देखने को मिलता है। तो सिग्निफिकेंट चेंज, वर्किंग कल्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव है।
तो कोई भी चीज इतनी ज्यादा है कि आप उसको देखकर मतलब महसूस कर पा रहे हैं. सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज. आगे देखिए, चेंज किसी भी चीज में. कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप मेरे साथ जब इस स्पोकन बैच को कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को मैं फीडबैक बता रहा हूँ, मैं कम से कम ये 100 से 150 बच्चों का फीडबैक बता रहा हूँ. ये तो मुझे एग्जैक्ट मतलब मैं कह सकता हूँ इतना फिगर कि उन बच्चों का मेरे पास कॉन्स्टेंट मैसेज रहते हैं. 100 से 150 बच्चे मुझे कॉन्स्टेंट टच में रहते हैं, बार बार मुझे टेक्स्ट करके अपने सेंटेंसेज भेजते रहते हैं. और मैं ये कह सकता हूँ सर उन बच्चों को देखकर कि आज उनकी इंग्लिश में लिखने के स्टाइल में देखूँ मैं, जब मुझे वो कमेंट करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, और जो इंग्लिश वो आज लिखते हैं, मैं उसमें देखकर कह सकता हूँ कि सच में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट उनकी इंग्लिश में है. वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है गाइस, दैट्स कॉल्ड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें लिखिए, आपको ये लिखना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है. इसी को आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत बड़ा चेंज है. तेल की कीमतों में बहुत बड़ा उछाल है. ये तीनों सेंटेंस ऐसे बोला है, एक ही तरह की ग्रामर चलेगी. तेल की कीमतों में बहुत बड़ा उछाल है. दूसरा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बड़ा चेंज है. तीसरा आपकी लैंग्वेज की मतलब आपकी इंग्लिश में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है. लाइक दिस. नेक्स्ट गो फॉर पावरफुल. कोई भी चीज़ अगर पावरफुल है तो उसका मतलब वो प्रभावशाली है. पावरफुल का मतलब बहुत ताकतवर, स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग. इफ समथिंग इज वेरी स्ट्रांग दैट्स वाई दैट थिंग इज कॉल्ड पावरफुल. जैसे मैं एक वर्ड बोल सकता हूँ सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, पावरफुल पर्सन, पावरफुल पीपल, ऐसे लोग जो आपको लगता है कि बहुत शक्तिशाली है, उनके पास बहुत पावर है. जैसे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, एक राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, एक एरिया का जो DM होता है, एक एरिया के जो SSP होते हैं, ये सब लोग क्या है, मेयर क्या है, ये बहुत पावरफुल लोग हैं. इनके पास बहुत ताकत होती है किसी भी चीज़ से मिली, वो बहुत पावरफुल लोग होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि कोई बाहुबली है और वो बहुत प्रभावशाली, सर आप कह सकते हैं बड़ा पावरफुल ये बंदा है यार. तो किसी को अगर आपने पावरफुल कहा तो इसका मतलब उसको शक्तिशाली कहा. जैसे आपने बोला पावरफुल पर्सन, सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री इज अ पावरफुल पर्सन. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री इज अ पावरफुल पर्सन. यू आर अ पावरफुल पर्सन. आप बहुत ताकतवर इंसान हैं. तो पावरफुल ऐसे भी हो सकता है हेल्थ में. जैसे देखो डॉग है, पिटबुल. पिटबुल एक ऐसा डॉग है, आप देखोगे तो वो बहुत बहुत ताकतवर कुत्ता है. सो हम कह सकते हैं पिटबुल इज अ पावरफुल डॉग. सो मैं इसी सेंस में कह रहा हूँ कि पावरफुल शरीर की ताकत को भी दिखाता है, और आपकी एक ऐसी भी ताकत जो आपको किसी कानून या किसी अपनी पोजीशन से मिली है. आपका पद ऐसा है कि उसका बड़ा महत्व है ना. अब शरीर की बात नहीं, जैसे मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री इज अ पावरफुल पर्सन, इसका मतलब मैं यहाँ पे ये तो नहीं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर शरीर में ताकत बहुत होती है. नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं, पर हम ये जरूर कह रहे हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री होता है बहुत एक मतलब उसके पास ताकत बहुत होती है ना, तो उसे पावरफुल कहते हैं. स्पीच, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भाषण देते हैं और आप उनकी स्पीच देखते हैं तो आपको लगता है यार वाओ ग्रेट गजब कमाल. तो आप और मैं कह सकते हैं वो स्पीच कैसी बहुत जानदार है. तो दैट्स अ पावरफुल स्पीच. तो पावरफुल स्पीच मतलब स्पीच बड़ी प्रभावशाली है, मतलब ताकतवर, जिसका गहरा इम्पैक्ट है, दैट्स पावरफुल स्पीच. तो अब मैं चाहता हूँ कि एक सेंटेंस आप उसमें देखेंगे कि आपको कहना है कि लास्ट मंथ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बहुत पावरफुल स्पीच दी. पिटबुल एक पावरफुल डॉग होता है. किसी भी देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो एक पावरफुल इंसान होता है. ये मैं इंग्लिश में दोनों बोल चुका हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसको इंग्लिश में फिर लिख के दिखाएं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन गाइस. डीप. डीप का मतलब गहरा भी होता है. जैसे आपने कहा डीप वेल, तो डीप वेल का मतलब गहरे कुएं है ना. डीप का मतलब जिसमें गहराई बहुत होती है. कई बार कहते हैं डीप वाटर रन्स स्टिल है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो डीप वाटर होता है वो बहुत गहरा मतलब शांत होकर चलता है. गहरा पानी हमेशा शांत होता है. सो डीप का मतलब बहुत गहरा होता है. पर कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे बोलोगे, जैसे आपने बोला डीप स्लीप, जैसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बच्चों साउंड स्लीप, साउंड स्लीप भी कह सकते हैं. तो डीप स्लीप का मतलब क्या बेटा, एक ऐसी नींद जो बहुत गहरी नींद है. गहरी नींद से मेरा मतलब क्या है, वो नींद ऐसी है कि जो आपको लगता है कि यार ये तो मतलब होता है ना, कई बार नींद आती है, आप बहुत मेहनत करो, फिजिकल वर्क बहुत किया आपने, तो फिर आपको यही नहीं पता चलता कि आप पूरी रात कहाँ पड़े थे.
तो इसका मतलब वो नींद कैसी थी, बहुत गहरी नींद थी। तो मुझे नहीं लगता गहरी शब्द आप में से किसी बच्चे को दिक्कत दे रहा होगा। तो गहरी नींद के लिए आप कह सकते हैं साउंड स्लीप था, डीप स्लीप था। कई बार लोगों को ना विषय की जानकारी होती है, कई बार बहुत सारे लोगों को ना विषय की जानकारी होती है, और वो विषय की जानकारी इतनी गहरी होती है कि उनको बहुत कुछ उसमें पता होता है। तो आप और मैं कह सकते हैं कि वो ज्ञान है, उनको नॉलेज है, तो क्या है, डीप नॉलेज है, किसी भी चीज़ की समझ है। समझ को हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ की जो समझ होती है वो अंडरस्टैंडिंग है बेटा। पर अगर वो समझ बहुत गहरी है तो आप और मैं कह सकते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग। अब आप लोगों को ये कहना है कि मुझे इंग्लिश की गहरी समझ है, आपको ये कहना है कि मुझे इंग्लिश की गहरी नॉलेज है। देखो, होने से पहले मान लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपका मन आपको कहने लगेगा येस यू कैन एंड यू आर, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ग्रो। येस, दैट्स मस्ट। वी रियली वॉन्ट टू ग्रो, बट हाउ कैन वी, दैट इज अ क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी नीड टू बिलीव विद इन, वी नीड टू बिलीव विद इन कि दैट आई हैव सम सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी, आई हैव दैट कैलिबर, दैट आई कैन मास्टर माई लैंग्वेज, एंड यू नो आई एम गुड एट इट, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर। सो दिस विल डेफिनेटली लीड यू टू दैट लेवल विच इज एक्चुअली डिमांडेड बाई यू कि मुझे ये चाहिए चाहिए। सो डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप स्लीप, साउंड स्लीप, डीप नॉलेज, लाइक दैट। लेट्स गो अहेड नेक्स्ट। मैंने आपको सेंटेंस बताया, इसकी इंग्लिश आपको लिखनी है। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो, मतलब किसी भी चीज, कोई भी चीज ऐसी जो आपको ना पॉजिटिव चेंज देती है। पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या, जैसे एक चीज देखो, एक होती है सर आलोचना, जिसे हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। आज की पॉलिटिक्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता, आज की पॉलिटिक्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता। पर बच्चों, एक समय ऐसा भी देखा है मैंने अपने देश के अंदर, जहां पर विपक्ष और पक्ष, जो भी मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें आलोचनाएं होती थी। दोनों दल आपस में एक दूसरे की आलोचना करते थे, पर उस आलोचना में आप और मैं देखे तो एक चीज देखने को मिलती थी, वो देश का विकास भी करती थी और वो बहुत प्रभावशाली होती थी। सर मैं ऐसे कहूँ कि उसके हमेशा अच्छे नतीजे निकल के आते थे, उस आलोचना से अच्छे नतीजे निकल के आते थे। तो वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता था। आलोचना इसलिए नहीं करी कि हमें उसको नीचा दिखाना है, आलोचना इसलिए करी कि हमें उसमें सुधार चाहिए। देखिए ना सर, आलोचना इसलिए नहीं करी कि हमें उसको नीचे दिखाना है, आलोचना इसलिए करी क्योंकि उसमें हम एक सुधार चाहते हैं। तो एक ऐसा आलोचना, एक ऐसी क्रिटिक, जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं और आप में कमियां हैं, वो आपकी कमियों की जब बात करते हैं और आपको सुनाते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो उनके अंदर एक ऐसी भावना छिपी होती है कि वो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ से निकल के कुछ अच्छे बन जाए। तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है बेटा। एडवाइस, माँ बाप की जो एडवाइस होती है बेटा, वो कैसी होती है, वो हमेशा आपको बेटर बनाने के लिए। तो कुछ भी ऐसा जो आपको बेटर बना रहा है, कुछ भी ऐसा जो चीज़ों को अच्छा बना रहा है, तो वो कंस्ट्रक्टिव है। जैसे कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ होते हैं, तो ऐसे आइडियाज़ जो आपको, मुझे लगते हैं कि बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, ये तो होने चाहिए, आपको लगता है ऐसी एडवाइस जो बहुत है, तो कंस्ट्रक्टिव एडवाइस। आपको एक सेंटेंस लिखना है, आपको उसमें लिखना है कि मुझे मेरे टीचर से बड़ी एक कंस्ट्रक्टिव एडवाइस मिली। दूसरा आपको लिखना है सर कि हमारे पास हमेशा कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ होने चाहिए। तीसरा आपको लिखना चाहिए कि मैं हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का सम्मान करता हूँ, मैं हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का सम्मान करता हूँ। आप जब ये सेंटेंस लिखेंगे तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और आपको बहुत कुछ सीखना भी मिलेगा। सर आगे की तरफ देखें तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों जो चीज़ रुक नहीं रही, लगातार चले जा रही है। मैं फिर बोलूँगा, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो रुकती नहीं बल्कि लगातार चले जा रही है, लगातार हो रही है, एक ही रिदम में चल रही है, सेम रिदम में चल रही है, सेम रिदम में, मतलब उसमें कोई ऐसा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट है। आप रोज देखते हैं कि आपके अंदर लगातार एक इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में एक लगातार इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो आपने कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट है, सो देर इज़ अ कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन माई अंडरस्टैंडिंग। कंसिस्टेंट का मतलब जो लगातार चल रहा है, सिमिलर, कम ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एक जैसा। जैसे कंसिस्टेंट सपोर्ट है, वो लगातार मुझे मदद मिल रही है, ऐसा नहीं कि कभी मुझे मदद मिली कभी नहीं मिली, हमेशा लगातार वो मदद वाली चीज़ तो चली रही है। तो दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंट सपोर्ट। आगे देखिए ग्रोथ, किसी भी चीज़ में विकास है और वो ग्रोथ लगातार चल रहा है। जैसे आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ है और वो लगातार चल रही है, उसमें रुकावट नहीं आ रही, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है,
तो देर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ का मतलब जो लगातार बढ़ रही है उसे हम कंसिस्टेंट ग्रोथ कहते हैं, ये होता है कंसिस्टेंट। तो आपको क्या लिखना है सर, कि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार एक ग्रोथ हो रहा है। दूसरा लिखना है कि मुझे हमेशा आपसे लगातार मदद मिली है। तीसरा लिखना है कि मैं फील कर सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट को, मैं फील कर सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट को। ये सेंटेंस है, ये सारे वर्ड आपने बोले। इसके बाद मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलता हूँ सर, न्यूमरस। कोई भी चीज़ संख्या में इतनी ज़्यादा है, कोई भी चीज़ संख्या में इतनी ज़्यादा है जिसे आप और मैं ये कहें तो गलत नहीं कि मैनी, बहुत सारे। जैसे आपने कहा मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी का मतलब बहुत सारे। तो जब कोई भी चीज़ गिनती में बहुत ज़्यादा होती है तो उसे इंग्लिश में आप और मैं मैनी कहते हैं। मैनी का मतलब बहुत सारे होता है। जैसे मैंने कहा कि सर मैनी मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं। आप इसी को कह सकते थे सर न्यूमरस प्रॉब्लम्स, देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन जो लोग होते हैं उनके जीवन में आप देखोगे तो असंख्य प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सो देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स इन कॉमन पीपल्स लाइफ। आगे और देखिए सर, मैंने कहा देयर आर न्यूमरस चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं सर। देयर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अवसर हैं। तो देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज। तो कोई भी चीज़ संख्या में बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा है तो उसे आप और मैं इंग्लिश में न्यूमरस कहते हैं। फिर रिपीट करता हूँ सर कि कोई भी चीज़ गिनती में बहुत ज़्यादा है तो उसे आप और मैं न्यूमरस कहते हैं। सो देयर आर न्यूमरस पीपल, देयर आर न्यूमरस चैलेंजेस, देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स, देयर आर न्यूमरस चेंजेस, देयर आर न्यूमरस नेशंस, देयर आर न्यूमरस कॉलेजेस, देयर आर न्यूमरस सिटीज, लाइक दिस। तो न्यूमरस का मतलब संख्या में बहुत सारे। जैसे हम डे टू डे लाइफ में, अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आपको लिखनी है कि हम डे टू डे लाइफ में न्यूमरस चैलेंजेस का सामना करते हैं। तो सामना करने के लिए आप या तो वर्ड यूज करेंगे फेस, या यूज करेंगे सर एनकाउंटर। आप इनमें से कोई भी एक वर्ड का प्रयोग करेंगे। जब आप सेंटेंस लिखें तो कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करें कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं। तो सामना करने के लिए फेस आएगा, सामना करने के लिए एनकाउंटर आएगा। और किसका सामना करें, न्यूमरस चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं, ये इसका एक पॉइंट है सर। और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वर्ड आप देखिए एंडलेस। सर एंडलेस का मतलब कोई चीज़ इतनी है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही सर। जैसे अभी मैंने बोला ना सर कि उसका अंत नहीं दिख रहा आपको, जैसे मैंने कहा सर एंडलेस चैलेंजेस, एंडलेस प्रॉब्लम्स, तो वो ख़त्म ही नहीं हो रही सर। मैं इसको पॉजिटिव में भी ले सकते हैं सर, जैसे मैंने बोला एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, अवसर अपॉर्चुनिटीज होते हैं बच्चों। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि अवसर ख़त्म ही नहीं हो रहे, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अपॉर्चुनिटीज खत्म ही नहीं। मैंने कहा यार इन दिस फील्ड देर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, इस फील्ड में देर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, यानी कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो देर आर एंडलेस प्रॉब्लम्स इन एवरी वंस लाइफ, समस्याएँ ख़त्म ही नहीं होती सर, बहुत समस्याएँ, एंडलेस प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एंडलेस का मतलब होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक सेंटेंस जरूर बनाएं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसका कभी अंत नहीं होता। देखना सर, इवन एट द एज ऑफ 70 लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है कुछ अच्छा करने के लिए। तो लोगों के जीवन में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये बात आप और मैं इसमें अच्छे से देख सकते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन गाइस। अ वाइड रेंज ऑफ का मतलब होता है चीज़ें बहुत सारी है पर भिन्न भिन्न प्रकार की है। अच्छा देखो, अब मार्केट में जाओगे तो आपको किताबें देखने को मिलेंगी, पर क्या सभी किताबें एक जैसी हैं? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। अब मार्केट में जाओगे तो किताबें देखने को मिलेंगी, पर वो किताबें सब एक जैसी नहीं है, वो सारी किताबें अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो आप और मैं कह सकते हैं अ वाइड रेंज ऑफ बुक्स, देर इज अ वाइड रेंज ऑफ बुक्स। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट में देखेंगे तो किताबों की एक बहुत बड़ी रेंज आपको देखने को मिलती है। सो वाइड रेंज ऑफ का मतलब, जैसे मैंने कहा वाइड रेंज ऑफ बुक्स, वाइड रेंज ऑफ कोर्सेस। आप देखिए, आप अकेडमिक अपने उसमें देखेंगे तो आपके पास कॉलेजेस और स्कूल्स के माध्यम से इतने सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, मतलब जिसका कोई मतलब बहुत मैनी और भिन्न भिन्न प्रकार के सर। सो देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल। मैं चाहूँगा कि एक सेंटेंस आपको लिखना है कि एक बहुत बड़ी रेंज किताबों की आपको देखने को मिलेगी ऐसा। आप जब भी मार्केट में जाएंगे, दुकानों पे जाएंगे, ये पूरा सेंटेंस लेना है, जब भी आप दुकान पे जाएंगे, बुक शॉप पे जाएंगे
तो वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी रेंज किताबों के देखने को मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि इस संडेस को आप बोलें। अब अंत में मैं एक बात कहता हूँ, ये मेरा आज का आखिरी वर्ड है। किसी भी चीज़ को सीखना एक अलग चीज़ है बेटा, और किसी भी चीज़ को यूज़ करना एक दूसरी बात है। When you want to improve your language, जब आप अपनी भाषा पे काम चाहते हैं, तो you need to have a person, एक व्यक्ति जो आपको चाहिए जो रोज़ आपको एक टास्क निकाल के दे दे। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो चीज़ों की समझ आपके अंदर बना दे। पर उसके बाद एक जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है, वो जिम्मेदारी ये कहते हैं कि आप उस पर कंसिस्टेंट रह के, जो आज हमने एक वर्ड पढ़ा कंसिस्टेंट रह के, आप डेली उसको प्रैक्टिस करें। When we practice a language, when we practice some words and sentences, you know, they become natural. They really become natural. We don't get stuck while speaking. We never get stuck while speaking. And you know, the level we feel within, that is quite comfortable one. आपको ऐसा लगता है कितना सहज मैं हो गया हूँ। और इस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको एक काम तो करना पड़ेगा बच्चों, आप हर समय इंग्लिश के बारे में संडे सोचते रहें, एंड इट वुड डेफिनेटली इन्हेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आई डू मैंशन बिफोर माई स्टूडेंट्स रियली यू नो एंड देट आई हैव रियलाइज गाइज, इट्स नॉट अबाउट सेइंग ओनली, इट्स माई ओन एक्सपीरियंस। एनी स्किल यू वॉन्ट टू हॉन, यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस अबाउट इट। You have to be very curious. You know, there must be a compelling will within that person that yes, I'm to do it. At any cost, I'm to do it. So this really changes a lot. ये बहुत बदलता है चीज़ों को, means हर चीज़ में एक बदलाव लगाता है। There is a, you know, significant change we get to see in a person's understanding of that particular task or skill which he really wants to hone. सो मैं यही चाहूँगा कि आप इस पर काम कीजिए, नथिंग एल्स आई वॉन्ट टू से हियर। सो बड़ा अच्छा मेरा आप लोगों से डिस्कशन रहा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये सेंटेंसेस मुझे बताएंगे। हमारे स्पोकन कोर्स को आप इसी तरीके से देखते रहें, और इसे आप आसपास के लोगों तक फैलाएं। मुझे लगता है कि एक बहुत कम कीमत में आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स हम बना रहे हैं, और ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। धन्यवाद, थैंक यू। बस ऐसे ही आप सीखते रहें, बढ़ते रहें।